this this okay page number 23 you will do at your home now next page page number 26 understanding zero concept okay let's start a balloon seller had three big balloons he sold one balloon to a girl count them again how many left now first you tell me student balloon seller means जो बैलून सेल करता है जो बैलून बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलून सेलर ओके बैलून सेलर के पास थ्री बिग बैलून्स था जिसमें से वो पिंक बैलून्स जो होता है वो एक गर्ल्स को वो सोल्ड कर देता है स्टूडेंट सोल्ड में बेच दिया ओके हाउ मेनी मीस कितना लेफ्ट में बचा अब उसके पास कितना बैलून्स लेफ्ट है यानी कितना बैलूस बचा है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सी Two balloons were left with the balloon seller who sold one more to a boy. Count them again. How many left? When two balloons were left with balloon seller, then yellow balloon he sold to a boy. Who yellow balloon wo sold kar deta hai? Base dita hai? Boy ko. Okay. Now next question. When the red balloon was left with the balloon seller, it made a pop sound and was blown away. उ मेनी लेके पास अब वन रेड बैलून बजता है क्योंकि वो येल्लो बैलून एक बॉय को वो सोल्ड कर देता है ओके okay? ना उसके पास जब ये रेड बैलून जब बजता है तो वो क्या होता है पॉप साउंड करता है यानी कि उसका बैलून फूट जाता है ओके ना सैथ लिटल बैलून सेलर ही वॉज हैविंग नो बैलून जीरो विथ थेम ना लेट द बैलून सेलर टेक सम उसके पास वो सैड सैड मीन्स वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका बैलून फुट जाता है और उसके पास एक भी बैलून नहीं बचता है ना हेयर यू सी स्टूडेंट सो वैन नथिंग इज़ लेफ्ट देन वी रिप्रेजेंट बाय ज़ीरो जब भी कुछ नहीं बचता है अगर किसी के पास तो उस समय हम लोग इन मैथ उसको हम लोग शो करते हैं जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं ओके ए ज़ीरो इज रिटर्न हैज लाइक दिस इस तरह से जीरो हम लोग लिखते हैं राइट जीरो एट होम यू विल राइट जीरो लाइक दिस ओके हाउ आई हैव रिटन इन दिस यू विल डू ऑन दिस लाइन इसके ऊपर आप लोग चलाइएगा और यहाँ पर भी आप लोग बनाइएगा यू विल डू, यू विल रीड दिस पेज एंड यू विल डू पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स राइट जीरो स्टूडेंट सो ओके स्टूडेंट यू डू एट योर होम थैंक यू